खान को लेकर एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। दरअसल हुआ ये कि एक पक्ष उन्हें श्रद्धांजलि देने आया था, तभी दूसरे समुदाय ने वहां पर बवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से बवाल होते होते रह गया। खबरों की माने तो जयपुर से एक बस में सवार होकर कारवाए मोहब्बत के कुछ कार्यकर्ता पहलू खान को श्रद्धांजलि देने बहरोड़ पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान अन्य समुदाय के लोग नारे लगाते हुए वहां पर आ गए और इन लोगों को श्रद्धांजलि देने से रोक दिया। गौरतलब है इसी साल अप्रैल महीने में तस्करी के आरोप में पहलू खान की पिटाई होने की वजह से उसकी जान चली गई थी। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ था उसी जगह उनके चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। बताते चले आपको कि बीते मंगलवार को राजस्थान पुलिस ने पहलू खान लिंचिंग केस में 6 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। मरने से पहले पहलू खान ने पुलिस को दिए अपने बयान में हुकुमचंद, नवीन शर्मा, जगमाल यादव, ओम प्रकाश, सुधीर और राहुल सैनी का नाम लिया था, मगर पुलिस ने अपनी जांच में इन्हें निर्दोष पाया है। तो वहीं अलवर के SP ने भी कहा था कि इस मामले में आरोपी लोगों को दोषी न मानते हुए इन पर 5,000 रुपए का इनाम भी वापस ले लिया गया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।